हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दाश। मैं आप लोगों के यहाँ पर NTA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1992 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन चल रही है, ये रिविजन सेशन चल रही है, जहाँ पर यूनिट 1 हम लोगों ने रिवाइज किया, देन यूनिट 2। सिर्फ रिविजन पर हम लोग कंसेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से समझते नहीं है, उसके साथ साथ इसकी जो MCQ पार्ट है वो भी मैं करवाती हूँ लाइव क्लास पर आके। तो इस चैनल पर आपको कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ MCQ पार्ट मिल जाएगा, रिविजन क्लास मिल जाएगा, और उसके अलावा जो कीवर्ड्स होती है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारे नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जितना स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, वो सभी स्ट्रैटेजी इस चैनल पर मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। तो जो न्यू लर्नर्स है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, तो जो भी न्यू वीडियो आएगा या फिर जो मैं जो MCQ सीरीज लेके आती हूँ, वो आप लोगों के पास हमेशा नहीं पहुँचेंगे, ठीक है। जो सब्सक्राइब लेंगे, देखिए सब्सक्राइब लेने से कोई भी पैसे नहीं लगते, आप लोग जानते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब जो बटन है उसको क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। जल्दी से ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसके थ्रू आप लोगों को फ्री में लाइव क्लास मिलेगा, जहाँ पर डीप कंसेप्ट, उसके अलावा रिविजन क्लासेस, MCQ सीरीज, कीवर्ड्स, ये सभी बेनिफिशियल चीज़ मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पर। तो सिर्फ आप लोगों को एक काम करना है, मेरे चैनल की जो नीचे सब्सक्राइब बटन है सिर्फ उसको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। अब देखो 1992 के पहले 1986 एक पॉलिसी आई। अब 1986 पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 1992 पॉलिसी आई, मगर इसको क्यों मॉडिफाई किया गया, कौन मॉडिफाई किया, ये एक क्वेश्चन है। अब देखो जो आचार्य राममूर्ति जी है, उन्होंने 1990 मई मंथ पर कहा कि 1986 पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमेशा एक पॉलिसी चली आ रही है, अब उस समय पर कुछ थोड़ा सा अगर मॉडिफिकेशन करेंगे तो अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए। क्यों मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि सोसाइटी एक डायनामिक है, इसलिए हमें हर एक चीजों के ऊपर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। ठीक वैसे ही राममूर्ति जी ने कहा कि मैं पहले 1986 की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करके देखती हूँ, ठीक है। अब जनार्दन रेड्डी जी ने कहा कि ठीक है, आपने रिव्यू किया, मैंने भी देखा, देख के मुझे लगा कि हाँ इस 1980 पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो बेसिकली आचार्य राममूर्ति जी ने रिव्यू किया, ठीक है, और जनार्दन रेड्डी जी ने ये जो 1986 का पॉलिसी है उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए कंसिडर किया, ठीक है। तो रिव्यू जो किया, तो राममूर्ति कमेटी होती है, आप लोगों को पता है, उस कमेटी पर उन्होंने 1986 पॉलिसी को रिव्यू किया और उस रिव्यू के बेसिस पर कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया। ठीक वैसे ही जनार्दन रेड्डी जी ने भी 1986 पॉलिसी को मॉडिफिकेशन करने के लिए कंसिडर किया और उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट्स बताया, ठीक है। अब इन सभी को देखते हुए 1992 पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई। अब जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि 1986 की जो पॉलिसी है वो 1992 से एकदम अलग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जब भी कोई पॉलिसी को मॉडिफिकेशन करेंगे तो उस पॉलिसी के आधार पर करेंगे, ठीक है। अगर आपको सपोज कीजिए ये जो मार्कर पेन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा न्यू लुक देना चाहूँ तो इसके बेसिस पर ही मैं न्यू लुक दूंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1986 की जो पॉलिसी है इसको न्यू लुक देना होगा, तो इसके बेसिस पर ही देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट्स है वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। आप लोगों को पता होगा 1986 की जो पॉलिसी है, फर्स्ट पॉलिसी क्या था, इक्वलाइजेशन। अब इक्वलाइजेशन से याद कीजिए क्या था, इक्वलाइजेशन क्या होती है कि हर एक बच्चे को हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है, टू प्रोवाइड एजुकेशन ईच एंड एवरी स्टूडेंट, राइट। अब ईच एंड एवरी स्टूडेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यूथ की नहीं, जो एडल्ट है उनको भी
हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा ये हमें पता है। तो एडल्ट लोगों को हमेशा फॉर्मल एजुकेशन फॉलो नहीं कर सकते वो लोग, इसलिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाए, ये 1986 पर बोला गया था। अब उसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन को और भी ज्यादा एम्फसाइज किया गया 1992 की पॉलिसी पर, ठीक है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगा यहाँ पर 15 से 35 तक एज की जो लड़की होगा, जो गर्ल्स होगा, उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया गया, ठीक है। अब देखो मैंने फर्स्ट क्या कहा था 1986 पर, क्या आएगा लर्नर्स, फर्स्ट पॉइंट क्या था, इक्वलाइजेशन। अब इस इक्वलाइजेशन पर हमें सभी बच्चे को देना है, चाहे वो यूथ हो चाहे वो एडल्ट क्यों ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात कही, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वलाइजेशन है, दैट मींस सिर्फ गर्ल्स बॉयज नहीं, हम लोग कास्ट के ऊपर भी देखेंगे कि सभी कास्ट के स्टूडेंट, चाहे वो जनरल हो चाहे वो एससी हो एसटी हो ओबीसी हो, सभी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, ये हमारी मोटो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा, स्पेशल प्रोविजन किसको दिया जाएगा, एससी एसटी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखो मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा न्यू लुक, इसीलिए इक्वलाइजेशन तो होगा ही, उसके साथ साथ मिड डे मील एंड फ्री बुक्स की बात किया गया 1992 की पॉलिसी पर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है वो उसके आधार पर हुआ, अब थोड़ा सा न्यू लुक्स पर क्या है कि फ्री बुक्स मिलेगा एंड मिड डे मील मिलेगा, ठीक है। और एक पॉइंट याद करो 1986 का, जहाँ पर लिटरेसी रेट की जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज करना है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए 1992 पर नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्ट हुआ। तो जो हम लोग 1986 की पॉलिसी पर स्टडी किया था उन सभी के बेसिस पर ही देखिए ये सभी पॉइंट्स है। तो लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें एक मिशन क्रिएट करना होगा, जिस मिशन का नाम है नेशनल लिटरेसी मिशन, क्लियर। अच्छा अब देखो अंगवतीज एंड बलवतीज, ठीक है। तो ये जो दो अंगवतीज एंड बलवतीज है, यहाँ पर क्या होगा, ECC, दैट मींस अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये एक प्रोविजन है जहाँ पर सभी बच्चे को केयर किया जाएगा, ठीक है, अर्ली एज पर, इसीलिए इसके ऊपर भी अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए अंगवतीज एंड बलवतीज को सेटअप किया गया। अब नवोदय विद्यालय होगा, नवोदय विद्यालय क्या है, जहाँ पर आपको एक सेंट्रल स्कूल है, उसकी ढांच में उसकी मॉडल पर आपको बाकी सभी स्कूल्स को भी रेडी करना है एंड कंस्ट्रक्ट करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन, जो हमारी 1986 की पॉलिसी पर भी था और यहाँ पर भी वोकेशनल एजुकेशन है। और एक है देखिए डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एजुकेशन का मतलब यहाँ पर जो भी काम होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, एक्टिविटी है, एजेंडा है, उन सभी को पूरा करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन, दैट मीन्स सेंट्रल एंड स्टेट दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट क्या है, एटलीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइन्थ एंड टेंथ पॉइंट ध्यान से देखो, एटलीस्ट वन ओपन यूनिवर्सिटी इन ईच स्टेट। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साथ एक एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होती है ओपन एजुकेशन सिस्टम, जो ओपन यूनिवर्सिटी पर होती है, राइट। तो यही ओपन यूनिवर्सिटी पर क्या होगा, जोर दिया जाएगा, इसीलिए बोला गया कि हर एक स्टेट पर, ईच स्टेट मतलब एक स्टेट पर एक ओपन यूनिवर्सिटी होना ही चाहिए, सो एटलीस्ट वन ओपन यूनिवर्सिटी इन ईच स्टेट। नेक्स्ट क्या होगा, ओपन रूरल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब रूरल एरिया, सिर्फ अर्बन एरिया सिटी पर यूनिवर्सिटी नहीं, रूरल एरिया पर भी ओपन रूरल यूनिवर्सिटी हो, इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। इसके लिए जो एनजीओ होती है, एनजीओ कुछ फंड प्रोवाइड करेगा, सिर्फ एनजीओ नहीं, एनजीओ के साथ साथ जो गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट भी कुछ फंड एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्प करेगा। तो कैसा हेल्प करेगा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड एंड फंड रिलेटेड यहाँ पर
मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो EICTE, ठीक है। अच्छा 1986 पर हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किए थे, उसी के ऊपर बेस करके एक बॉडी क्रिएट किया गया जिसको AICTE कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो पूरी इंडिया की टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक बॉडी है, रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाएगा। अब टेक्निकल एजुकेशन है तो फोकस होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब नेक्स्ट देखो ये पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मोटिवेट टू पार्टिसिपेट इन NSS एंड NCC। तो ये जो NSS एंड NCC है, इन सभी कैंपेन पर स्टूडेंट जाके पार्टिसिपेट करें, उनकी सोशलाइजेशन होगा। इन सभी चीजों को डेवलप करने के लिए NSS एंड NCC जो कैंपेन होती है, उस कैंपेन पर हर एक स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होगा, इसके ऊपर हर एक स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, ये कहा था 1992 पॉलिसी पर। एंड लास्ट क्या है, एस्टेब्लिश करना होगा DIETS, CTES एंड IASE। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करती हूँ कि ये जो DIETS है, CTES है एंड IASE है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए इस तीन का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। मैं और एक बार आप लोगों के रिवाइज कर देती हूँ 1992 की पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आचार्य राममूर्ति जी है, उन्होंने 1986 की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू किया। अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, जनार्दन रेड्डी जी ने कहा कि हाँ यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उन्होंने कंसिडर किया। अब इस दोनों की कंसिडरेशन एंड रिव्यू को देखते हुए 1992 पर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी आई, ठीक है, जो कि 1986 को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा। अब फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट इक्वलाइजेशन होती है, जहाँ पर हम लोग सभी बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो यूथ हो चाहे वो एडल्ट हो। इसलिए यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन आएगा, जहाँ पर 15 से लेकर 35 तक जो गर्ल्स होती है वो सभी यहाँ पर इंक्लूड होगा। अगर उन लोगों को मतलब गर्ल्स की अगर नीड है कि हाँ नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर जाएंगे, तो वो लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर भी जा सकते हैं। अब क्या होगा, इक्वलाइजेशन है, दैट मीन्स SC ST OBC हमारे लिए समान है, इसलिए कुछ प्रोविजन मिलेगा उन लोगों को, मिड डे मील मिलेगा, फ्री बुक्स मिलेगा। अब लिटरेसी है तो नेशनल लिटरेसी कैंपेन होगा, ठीक है, नेशनल लिटरेसी मिशन क्रिएट्स होगा। अब अंगापतिस बलवतिस होगा, जहाँ पर हम लोग अर्ली चाइल्ड को केयर करने के लिए ये दोनों प्रोविजन को लेंगे। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय। अब देखो नेक्स्ट पार्ट पर क्या आएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो इतना सारा एजेंडा है वो स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलकर करेंगे, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट क्या है, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन बाद में ही हम लोग ये सोचते हैं, टेक्नोलॉजी साइंस, तो क्या आ जाएगा, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड एजुकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फर्स्ट था कि हर एक स्टेट पर एक ओपन यूनिवर्सिटी, नॉन फॉर्मल बता दिया हम लोगों ने, अभी क्या पढ़ेंगे, ओपन यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट पर होना चाहिए। अब ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और एक टर्म है, वो बताओ क्या होगा, जो ओपन रूरल यूनिवर्सिटी होना होगा। इसके लिए कुछ NGO हेल्प करेगा और गवर्नमेंट हेल्प करेगा, फंड से रिलेटेड, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो हो गया, अब लास्ट दो बाकी है, वो है NSS, जो हर एक कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी में होती है, कि NSS एंड NCC जो भी कैंपेन होती है वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे स्टूडेंट, उसके लिए मोटिवेट किया जाए। और लास्ट जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया, DIET, CTES एंड IAS को एस्टेब्लिश करना होगा, आप लोग मुझे बताओगे इस तीनों का फुल फॉर्म क्या है। आई होप लर्नर्स, मैंने जिस तरीके से जिस सीरीज पर आप लोगों को समझाया है वो आप लोगों को समझ में आई। अगर लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए एंड ऑब्वियसली शेयर भी कीजिए, आप लोगों की जो दोस्त है उन लोगों के पास ये वीडियो और सेंड कीजिए, जिसके थ्रू उन लोगों को भी मदद मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच जो आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते हो।